फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ जो क्लास 12th अकाउंटेंसी बीएसटी के अंदर चैप्टर नंबर सेकंड है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर है ना, एक्चुअली इसके अंदर इसका चैप्टर का वेटेज है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से अपन देखें तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेटली ये 8 to 10 मार्क्स के बीच में वेरी करता है ये एग्जाम के अंदर अपन देखें तो। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले अंदर अपन को मतलब इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि दिमाग में एक वो आता है क्वेश्चन कि प्रिंसिपल्स क्या होता है। नाम भी देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो दिमाग में क्वेश्चन अपने मतलब कंटिन्यू आता है कि प्रिंसिपल्स होते क्या। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है कि ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। सिंपल प्रिंसिपल का मीनिंग समझो पहले, क्या होती है कि ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। ठीक है, अब याद रखना कि प्रिंसिपल्स बनाते क्यों है। ठीक है, आप तुम खुद देखो ना, स्कूल्स में तुम्हारा जब स्कूल में पढ़ते थे तो तुम्हारे स्कूल में मतलब देखो भी मतलब ना कितना मतलब एक सिस्टमेटिक प्रिंसिपल फॉलो होता। जैसे पीटीए टीचर होता ना, वो फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर, वो बिल्कुल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ठीक है ना, तो अब वो क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स क्यों बने रहते हैं, क्योंकि लोगों के बिहेवियर को गवर्न करना। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि उनके बिहेवियर को अपन को रेगुलेट करना, इसलिए अपन बनाते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब ये क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अपन को ये देखना पड़ेगा कि दीज आर द ब्रॉडर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर व्हाट, फॉर टेकिंग द डिसीजन। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या होता है, एटलीस्ट सुनो, मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट में ये होता है कि जो बीओडी होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो क्या करते हैं कि डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डिसीजन लेना क्या लेते हैं, किसके बारे में लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि अब अपन पूरा अपन सेंटेंस को पढ़े तो अपन को क्या लगेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अपन ये कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दोस प्रिंसिपल्स, और वी कैन से दैट दीज आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर टेकिंग द मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, जो भी कंपनी के अंदर जो डिसीजन लेता है ना, वो सारे डिसीजन को रेगुलेट करते हैं कौन से, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अपन को क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन हल्का सा और आगे बढ़े तो फिर अपने दिमाग में आता है कि अब एक और टॉपिक आता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नेचर क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, तो अब याद रखना, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये 7 पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनको अपन इन डिटेल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला अपन आए तो पहला कौन सा है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब आप देखिए कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, ठीक है, वहाँ पे मतलब आए दिन कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना होता है, तो उन डिसीजन को रेगुलेट करने के लिए ना ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे मैनेजर है तो मैनेजर को मतलब क्या करना पड़ता है, कंपनी का अगर डिसीजन कंटिन्यूसली ऑन कंटिन्यूस बेसिस उसको डिसीजन लेना पड़ता है, तो क्या रहता है कि उस डिसीजन को रेगुलेट करने के लिए ये प्रिंसिपल्स पीछे से होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन लो, भली वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, भली हॉस्पिटल हो, भली स्कूल हो, तो क्या होता है कि ये प्रिंसिपल सारी जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। कोई सी भी होगी ना ऑर्गेनाइजेशन, भली छोटी बड़ी मतलब मीडियम साइज हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, कोई सी भी हो, तो सब में क्या होता है ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर इसके बाद में कहते हैं जनरल गाइडलाइन। ठीक है, देखो नाम से देखो प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अभी क्या करता है मतलब किसी को गाइडेंस देता है। प्रिंसिपल क्या होता है, किसी को गाइडेंस देने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो सेम देखो अब क्या होता है कि देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या करते हैं कि जनरल गाइडलाइन एक्ट करते हैं फॉर द मैनेजर। ठीक है, कि भाई आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि ये क्या है कि जनरल गाइडलाइन है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं मैनेजर को फॉर टेकिंग द डिसीजन। ठीक है, फिर क्या है, फॉर्म्ड बाय, थर्ड क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें तो अपन को इसके अंदर ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो प्रिंसिपल्स होता है ना, वो यूं नहीं है कि वो रातों रात बन जाए, नहीं, इसको टाइम लगता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल्स को बनाने में बहुत टाइम लगा है, ऐसा नहीं कि एक रात में बन गया, मुंह उठा के आ गया कि भैया ये प्रिंसिपल, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इट टेक इयर्स एंड इयर्स टू मेक ए गुड प्रिंसिपल्स। ठीक है, जैसे आप इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे फेयर्स के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक और है कौन सा है, एक और कोई ऑथर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फेयर्स के 14 प्रिंसिपल है, जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना, तो अब क्या होता है जो फेयर था ना, अब इसके अंदर एक फेयर क्या था, एक मतलब ऑथर था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि कुछ एक प्रिंसिपल्स बनाए थे। ठीक है, मैनेजमेंट के, तो अब वो प्रिंसिपल जब उसने वो बनाए थे तो यूं तो नहीं कि वो रातों रात बन गए, उसने भी कुछ ना कुछ तो स्टडी किया होगा, कुछ इसने मतलब देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि भाई हाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कमी है, तो उसको देख के प्रिंसिपल्स बना लिया। ठीक है, समझ गए,
क्या होता है, इट्स फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पहले देखा, फिर उसको देखा कि भाई हाँ इसके अंदर ये कमी है, तो उसके हिसाब से प्रिंसिपल्स बनते हैं, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है प्रिंसिपल्स को बनने के लिए, इसलिए यहाँ बोला है कि प्रिंसिपल क्या है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर क्या होता है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या फ्लेक्सिबल है, जैसे अब फ्लेक्सिबल कैसे है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जैसे मान चलो कोई सा भी प्रिंसिपल्स ले, ठीक है, कोई सा प्रिंसिपल है तो अपन कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो सबका अपना अपना व्यू होता है उस डिवीजन ऑफ लेबर को प्रिंसिपल को अप्लाई करने का, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होता है ये, मतलब बिल्कुल एक इतना रिजिड नहीं है, आप डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन आप चेंज कर सकते हो उस प्रिंसिपल्स को, ठीक है। फिर जब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बिहेवियर इन नेचर, ठीक है। बिहेवियर का मीनिंग कैसा होता है, जैसे आप देखिए कोई सी भी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर यू तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टेट के बंदे काम करते हैं, कोई आसाम से काम करता है, कोई यूपी का बंदा होता है, कोई बिहार का बंदा होता है, ठीक है। हर एक मतलब डिफरेंट स्टेट के बंदे होते हैं, तब क्या होता है कि अब वो प्रिंसिपल, देखो अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर बहुत सारे होते हैं, तो वो मैनेजर किसी और स्टेट, एक मैनेजर किसी और स्टेट का है, एक मैनेजर किसी और स्टेट का है, तो कल्चरल डिफरेंस हो जाता है ना, तो वो प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है ना जब अपन अप्लाई करते हैं, और जो प्रिंसिपल्स जो मैनेजर अप्लाई करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, वो बिहेवियरल नेचर है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जब अपन ने बात करी थी कि इट्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन, तो अब देखो देख के फिर बाद में इसको लोगों ने जो चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी वर्क करता है ना, तो अब मान के चलो अपन को देखना है कि यार लोग मतलब ना कौन कौन लोग फ्री बैठे रहते हैं, तो अपन लगाते हैं सीसीटीवी कैमरा, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि हाँ ये पांच छह बंदे फ्री बैठे रहते हैं और ये मतलब इस टाइम पे फ्री रहते हैं, तो अब एक्चुअली क्या फिर उसके ऊपर एक मतलब एक प्रिंसिपल बना दिया कि भाई हाँ बंदे उस टाइम में फ्री नहीं बैठ रहे, ये कुछ ये काम कर लेंगे, तो अपन ने ऑब्जर्व किया उसके बाद प्रिंसिपल बनाया, ठीक है। तो इन सेम वे तो अपन को बताना कि अब जब अपन को बताना कि भाई जब वो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जैसे मान के चलो अपन ने प्रिंसिपल बना दिया कि भाई उस समय वो बंदे वहां पे फ्री नहीं बैठ रहा था, क्योंकि काम करेगा, ठीक है, किसी और जगह पे काम करेगा। जब अपन बोला प्रिंसिपल बनाया, तब अपन को पता है कि कॉज क्या था, पहले वो फ्री बैठ रहते थे, अब इफेक्ट क्या हुआ, जब अपने प्रिंसिपल को अप्लाई किया वो कहीं और जगह काम कर रहे, समझ रहे हो, समझ रहे। कॉज क्या था, पहले वो बिल्कुल काम नहीं करते थे, जब अपने को एक प्रिंसिपल बना दिया और वो अपने अप्लाई किया, तो उसका इफेक्ट क्या निकला, वो बंदे किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम वे तो क्या हो रहा है कि जब प्रिंसिपल अपने अप्लाई करते हैं ना, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, कोई भी मैनेजर अप्लाई करता है, तो उसको पता रहता है कि क्या कॉज होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद में याद रखना पड़ेगा कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो एक्चुअली क्या होता है, फ्यूचर है ना, सबको पता है कि कंटिंजेंट होता है, मतलब अपन फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंटिंजेंट का मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, चलो अप्लाई तो कर दिया, हाँ ठीक है, उसका इफेक्ट आएगा, बट वो इफेक्ट हो भी सकता है जो अपन ने सोचा वैसा नहीं है, समझ रहे हो ना, ये भी हो सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कंटिंजेंट है, समझ रहे हो। जस्ट कीप ऑन राइटिंग विद मी, ठीक है, जैसे ये ना मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ तुम लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं अपन, आते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पहला अपन देखे तो क्या होता है कि प्रोवाइड मैनेजर इनसाइट इनटू रियलिटी, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस है किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, प्रोवाइड मैनेजर इनटू इनसाइट इनटू रियलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैनेजर की जो एबिलिटी, ठीक है, स्किल्स होती है ना, वो इम्प्रूव होती रहती है एज जिस, एक्चुअली सुनो, अब क्या होता है प्रिंसिपल तो बन गए, अब जैसे 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 मैनेजर क्या करेगा, उस प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा ना, तो उससे क्या होगा कि मैनेजर की भी एबिलिटी बढ़ेगी, मैनेजर की भी नॉलेज बढ़ेगी, मैनेजर की भी स्किल बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि वो अपने आप को मैनेजर क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए यह बोला है कि जो मैनेजर होता है ना, ठीक है, एट द एंड क्या होता है, वो मैनेजर ही होता है जो ये प्रिंसिपल को अप्लाई करता है, तो इसलिए क्या होता है कि मैनेजर की स्किल्स एबिलिटी सब इंप्रूव होगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड मैनेजर इनसाइट इनटू रियलिटी, समझ गए, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग ये होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ना, अब प्रिंसिपल्स आपने अप्लाई कर दिए, प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के बाद में क्या होता है कि एक बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है सबके साथ में, ठीक है, कि हाँ आपको मतलब इस बंदे का मतलब सबका डायरेक्शन रहेगा कि मतलब प्रॉफिट मोटिव सब एक ही मतलब वे में मतलब काम करेगा, ठीक है, तो सब सबका अपना अपना काम रहेगा, किसको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऑब्लिगेशन है, किसको कहाँ पे रिपोर्ट करना, तो एक प्रिंसिपल्स बन गया ना, तो उससे क्या होगा, तो एक मतलब जो जो काम करने के अंदर देरी नहीं होगी, और जब काम करने के अंदर देरी नहीं होगी तो कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए अपन क्या कहते हैं जो रिसोर्स होता है ना वो क्या होता है ऑप्टिमम यूटिलाइज होता है जब अपन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, इसलिए बोला इंपॉर्टेंस इसका ये है, ठीक है। फिर क्या होता है साइंटिफिक डिसीजन, अब अपन को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि बेस्ड ऑन क्या होता है, बेस्ड ऑन क्या होता है
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और फिर होता है फाउंडर प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। तो अपन को पता है कि जो भी मतलब जो भी डिसीजन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे लिया होगा वो क्या होगा, साइंटिफिक डिसीजन होगा। ठीक है, ऐसा पागलों से डिसीजन नहीं, बिल्कुल एक साइंटिफिक डिसीजन रहेगा। ठीक है, बिल्कुल मतलब एक स्टडी वाला डिसीजन रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीटिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मीटिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट में ये होता है कि अब कुछ एक प्रिंसिपल जब अपन आगे बढ़ेगा तो कुछ एक प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि आप अपने आप को चेंज कर दो एज पर द चेंज विच इज प्रिवेलिंग आउटसाइड द बिजनेस एनवायरमेंट। तो मैनेजर क्या करता है, वो कीप ऑन स्टडी करता रहता है कि कौन कौन से नए नए चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो जो जो नए नए चेंजेस आ रहे होते हैं तो उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करता है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा चेंज करके। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी वो चेंज आ जाते हैं जो जो चेंज बार प्रीवेलेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भी क्या होता है कि फुलफिल द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फुलफिल द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि कुछ एक प्रिंसिपल्स ये बोलते हैं कि कंपनी को कुछ ना कुछ तो पैसा सोसाइटी के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद देखो ना यार, जब अपन पढ़ा था वाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, तब अपने पढ़ा था ना, पहला पढ़ाता था कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यार मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में दे रखा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तो यार प्रिंसिपल में तो डेफिनेटली हुआ ना यार फुलफिल द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये फुलफिल करते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को। किस वजह से फुलफिल करते हैं कि जैसे आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, आप जो गुड्स है एट द लो क्वालिटी, मतलब एक चीपर मतलब ना चीपर प्राइस पे मतलब ना बहुत ही रीजनेबल रेट पे आप मतलब गुड सेल करो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आता है, एक और आता है कि मैनेजमेंट, थर्ड लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है कि जो मैनेजर होता है ना वो क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करता है, ट्रेन इन द सेंस कि वो क्या करता है कि ट्रेनिंग एक्टिविटी पे अपने एम्प्लॉय को सेंड करता रहता है। जैसे कहीं पर भी ट्रेनिंग या सेमिनार हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि अपने एम्प्लॉय की स्किल्स बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉय को सेंड कर देता है। तो वो मैनेजर को कौन सी चीज ऐसा फोर्स करती है कि वो अपने एम्प्लॉय को बोले, तो वो कौन होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या करता है कि मैनेजमेंट के अंदर क्या करता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसके अंदर एम्प्लॉय को स्किल मतलब इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का एक और एक प्रिंसिपल है, हेल्प करता है इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। ठीक है, ओके।